चांद्रायण कल्प साधना, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। कल्प साधना के साधक यदि श्रद्धा प्रज्ञा एवं निष्ठा का समुचित समावेश करते हुए इनकी साधना में संलग्न रहें तो वे अपने में आश्चर्यजनक परिवर्तन का अनुभव करेंगे। काया रूपांतरण तो कठिन है, उसे दुर्बलताओं और रुग्णता से ही एक सीमा तक उबारा जा सकता है। परिवर्तन तो सदा अंतराल का ही होता है। इसी आधार पर क्षुद्र को महान, नर को नारायण, पुरुष को पुरुषोत्तम बनने का अवसर मिलता है। कामना का भावना में, क्षुद्रता का महानता में, तृष्णा का उदारता में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, उतना ही साधक सत्ता का स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर करने वाली इसी पुण्य प्रक्रिया का नाम कल्प साधना है। उसे अध्यात्म चिकित्सा की श्रेणी में गिना जा सकता है। काय चिकित्सा के लिए आयुर्वेद, तिब्बी, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी आदि पद्धतियां प्रचलित हैं। मानसिक चिकित्सा के लिए सामान्यतया स्कूल, शिल्प, उद्योग, कला कौशल आदि का अभ्यास करना पड़ता है। गुरुकुल आरण्यकों के वातावरण में रहना पड़ता है। स्वाध्याय सत्संग भी इसी प्रयोजन के लिए है। तीसरा क्षेत्र कारण शरीर का बचता है। इसके लिए साधना ही एकमात्र आधार है। उसे तपश्चर्या और योग साधना के आधार पर ही गलाया ढाला जाता है। शरीर नरम है, मन उससे कठोर, अंतःकरण को अति कठोर माना गया है। उस पर जन्म जन्मांतरों की मान्यताएं, इच्छाएं तथा आदतों की भूगर्भ में पाई जाने वाली चट्टानी परतों में से भी कठोर सतहें जमी होती हैं। उन्हें तोड़ने उखाड़ने के लिए डायनामाइट की सुरंगों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रयोग का नाम अध्यात्म साधना है। अंतःकरण के परिवर्तन में इन्हीं को अपनाना पड़ता है। अध्यात्म लक्ष्य की दिशा में बढ़ने वालों को साधना का साहस संजोना ही पड़ता है। प्राचीन काल में भी यही क्रम चलता रहा है और अब भी उसी मार्ग पर धीमे या तेजी से चलने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। शारीरिक रुग्णता को दूर करने का दावा करने वाले चिकित्सालयों की कमी नहीं। मानसिक विकास एवं परिष्कार के प्रयासों में संलग्न शिक्षण संस्थाएं भी बहुत हैं। आवश्यकता एक ही ऐसी थी जो सर्वोपरि महत्व की होते हुए सर्वाधिक उपेक्षित पड़ी थी, वह है अंतःकरण को परिमार्जित परिष्कृत करने की अध्यात्म चिकित्सा। इस संदर्भ में कुछ कहने लायक कारगर व्यवस्था कहीं दिखती ही नहीं। जो चल रहा है उसमें भ्रांतियों एवं नीच स्वार्थों का इतना अधिक समावेश हो गया है कि होना ना होने से भी अधिक भारी पड़ता है। इस संदर्भ में कल्प साधना को आरंभिक बाल कक्षा वर्ग की तो कहा जा सकता है, पर है वह ऐसी जिसमें ब्रह्म विद्या के शाश्वत सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखते हुए समय के परिवर्तन और बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी समुचित समावेश रखा गया है। अन्य अनुशासनों तथा निर्धारणों के अतिरिक्त जहाँ तक योगाभ्यासों का संबंध है, उसे उपरोक्त पंचधा प्रयोगों के रूप में समझाना चाहिए। शरीर पांच तत्वों से बना है, चेतना भी पांच प्राणों से विनिर्मित है। दोनों को पिछड़ेपन और पतन प्रभाव से उबारकर भौतिक क्षेत्र में अग्रगामी और आत्मिक क्षेत्र में ऊर्ध्वगामी बनाने की आवश्यकता है। गायत्री को पंचमुखी कहा गया है। उसके पांच ज्ञान पक्ष और पांच क्रिया पक्ष हैं। ज्ञान पक्षों में पहला है ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग, तीसरा भक्ति योग, चौथा प्रज्ञा योग, पांचवा है परमार्थ योग की पंचधा व्यवस्थाएं हैं। कल्प साधना में जहां पंच ज्ञान पक्षों का उपरोक्त निर्धारण है, वहीं पंचधा क्रिया योगों का भी स्वाध्याय सत्संग मनन चिंतन का समर्थ तंत्र खड़ा करके संचित कषाय कल्मशों का निष्काशन एवं उच्च स्तरीय आस्थाओं का प्रतिष्ठापन
किया जाता है। इस प्रकार आरंभिक सोपान को भी निर्धारण के दृष्टि से पूर्णता युक्त कहा जा सकता है। क्रियाकृतियों के सही स्वरूप के निर्धारण अवलंबन में जितनी जागरूकता एवं तत्परता की आवश्यकता पड़ती है, उससे भी अधिक इस क्षेत्र में श्रद्धा का सघन आरोपण आवश्यक होता है। इसके अभाव में सारी विधि व्यवस्था मात्र कलेवर बनकर रह जाती है और प्राण रहित काय कलेवर की तरह उसकी भी मात्र दुर्गति ही होती है। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से उभर कर अध्यात्म उपचार और संवर्धन का उभय पक्षीय प्रयोजन पूर्ण करने के लिए कल्प साधना का उपक्रम प्रस्तुत किया गया है। चांद्रायण तप और पंचकोशी योगाभ्यास। चांद्रायण तप का एक विशेष पक्ष है कष्ट सहन, जिसमें आहार घटाने बढ़ाने की तितिक्षा प्रमुख है। दोषों के प्रकटीकरण में भी पश्चाताप करने और लज्जित होने का मानसिक कष्ट है। क्षतिपूर्ति के लिए दान पुण्य करना अर्थदंड है। तीर्थयात्रा आदि सत्कार्यों के लिए श्रमदान जैसे परमार्थों में भी कष्ट सहने और त्याग करने की ही बात है। यह सारा समुच्चय आत्म प्रतारणा परिकर का है। परिशोधन की प्रक्रिया निषेधात्मक होने के कारण कष्ट की ही हो सकती है। दूसरा विधायक पक्ष है योग, जिसमें परित्याग की रिक्तता पूर्ण करनी पड़ती है। यह उपार्जन है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना योग है। योग से हर किसी का परिमाण बढ़ता है, विस्तार मूल्य और सामर्थ्य में वृद्धि होती है। परित्याग से जो घाटा पड़ा था, उसकी कमी योग की कमाई द्वारा पूरी हो जाती है। शौच जाने से पेट खाली होता है, तभी उस युग्म उपक्रम से शरीर यात्रा का पहिया आगे लुढ़ता है। ब्रह्मवर्च साधना का यह भूमि शोधन पथ चांद्रायण तप से पूरा होता है। इसके उपरांत बीज बोने और खाद पानी लगाने की अभिवर्धन उद्देश्य के लिए की जाने वाली प्रक्रिया योग साधना द्वारा संपन्न होती है। ब्रह्मवर्चस योगाभ्यास पंचमुखी गायत्री की पंचकोशी साधना है। पांच प्राणों से चेतना का और पांच तत्वों से काया का निर्माण हुआ है। इन दोनों प्रवाहों के मध्यवर्ती दिव्य शक्ति स्रोतों को पंचकोश कहते हैं। योग शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, यह पांच शक्तिशाली आवरण आत्मा पर चढ़े हैं। इन्हें सुरक्षा कवच, वाहन, आयुध आदि भी कहा जा सकता है। ये रहस्यमय रत्न भंडार हैं, जिनमें सिद्धियों और विभूतियों के मणिमुक्तक प्रचुर परिमाण में भरे पड़े हैं। चाबी ना होने पर तिजोरी में भरी धनराशि भी अपने किसी काम नहीं आती और अधिपति को भी अभावग्रस्त रहना पड़ता है। इसी प्रकार इन दिव्य कोशों का द्वार बंद रहने पर, आवरण चढ़ा रहने पर मनुष्य को दुखी दरिद्रों की तरह गया गुजरा जीवन यापन करना पड़ता है। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना को पंचकोशों की नावरण साधना कहते हैं। इसी योगाभ्यास को हठ योग की पद्धति के अंतर्गत चक्रवेधन एवं कुंडलिनी जागरण साधना कहते हैं। षट चक्रों का नाम ये सभी ने सुना है। भ्रू मध्य भाग से मस्तिष्क प्रारंभ होता है और वह मेरुदंड में जाकर जननेन्द्रिय क्षेत्र तक चला जाता है। यह समूची परिधि ब्रह्मलोक या ब्रह्मरंध्र कहलाता है। इसमें सात शक्ति संस्थान हैं। इनमें से छह मध्यवर्ती सक्रिय स्रोत षट चक्र हैं। एक इन सब का अधिपति नियंत्रक है, जिसे महाचक्र सहस्रार चक्र कहते हैं। इस प्रकार ये पूरा परिकर गिना जाए तो सप्त चक्र बन जाते हैं। इन्हीं का पिंड ब्रह्मांड में अवस्थित सप्त ऋषि, सूर्य के सप्त अश्व, सप्त लोक, सप्त सिंधु, सप्त मेरु, सप्त दीप, सप्त तीर्थ आदि अलंकारिक निरूपणों के साथ अध्यात्म शास्त्रों में वर्णन मिलता है। सप्त चक्रों की भी एक विवेचना यह है कि नीचे का मूलाधार और ऊपर का सहस्रार, यह दोनों क्रमशः
प्रकृति और पुरुष के, शक्ति और शिव के, रई और प्राण के, धरती और स्वर्ग के प्रतीक हैं। पृथकता की स्थिति में ये दोनों बहुत ही स्वल्प काम कर पाते हैं। मूलाधार प्रायः प्रजनन का ताना बाना बुनता है और शरीर को ऊर्जा, साहस, उत्साह आदि प्रदान करता है। सहस्रार की अर्धमूर्छित स्थिति में अचेतन और चेतन दोनों मिलकर कायिक गतिविधियों का संचालन और चिंतन वर्ग के प्रयोजन पूरे करते रहते हैं। यह इन दोनों का निर्वाह मात्र के लिए चलते रहने वाला स्वल्प कार्य है। यदि उन दोनों की तंद्रा छुड़ा दी जा सके और वे समर्थ सक्रिय हो उठें, तो फिर समझना चाहिए कि अनंत शक्तियों के, सिद्धियों के स्रोत खुल पड़ेंगे और मनुष्य साधारण से असाधारण बन जाएगा। ऋषि देवता और अवतारी मनुष्य इसी स्तर के होते हैं। उनकी आंतरिक मूर्छना जागृति में परिणित हो गई होती है। कुंभकर्ण का पौराणिक उपाख्यान इसी स्थिति की झांकी कराता है। जब भी वह दैत्य जागता था, अपनी सामर्थ्य का हाहाकारी परिचय प्रस्तुत करता था। मूलाधार की सामर्थ्य को सर्पणी कहते हैं और सहस्त्रार को महासर्प कहा गया है। इन्हीं शक्तियों को सावित्री और गायत्री नाम से परब्रह्म की दो पत्नियां कहा गया है। इन दोनों के मिलन को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। बिजली के अलग अलग पड़े तार जब भी मिलते हैं तो चिंगारी छूटती और शक्ति धारा प्रवाहित होती है। इसी स्थिति को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यह सौभाग्य सुअवसर जिन्हें प्राप्त होता है, वे भौतिक सिद्धियों और आत्मिक विभूतियों से सुसंपन्न पाए जाते हैं। वे आत्मोत्कर्ष का परम लक्ष्य प्राप्त करते और अपूर्ण से पूर्ण बनते हैं। ईश्वर प्राप्ति इसी स्थिति का नाम है। सहस्रार को महासर्प कहा गया है। विष्णु के शेष सैया भी कबही है। शिव के अंग में वही लिपटा है। समुद्र मंथन में रस्सी का काम वही करता है। सर्पणी के रूप में कुंडलिनी शक्ति का वर्णन प्रायः होता रहता है। वह अधोमुखी निद्रित स्थिति में पड़ी रहती है। जागृत होने पर ऊपर उठती है और अग्नि शिखा के रूप में देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। यह अलंकारिक वर्णन इस बात का है कि जननेन्द्रिय मूल में पड़ी हुई यह माँ शक्ति जब ऊर्ध्वगामी बनती है तो मेरुदंड मार्ग से ब्रह्मरंध्र तक जा पहुंचती है और उस क्षेत्र में सन्निहित अगणित दिव्यताओं को अनायास ही जागृत करती है। इसी स्थिति में अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होता है। समुद्र मंथन से चौदह रत्न निकलने के उपाख्यान में मूलाधार के कुंड गहवर को समुद्र, मेरुदंड को सुमेरु पर्वत, सूर्यवेधन प्राणायाम के ईड़ा पिंगला संघर्ष को मंथन माना जाता है। समुद्र मंथन कुंडलिनी जागरण का महापुरुषार्थ है, जिसमें चेतना के देव पक्ष और काया के दैत्य पक्ष को मिलजुल कर साधनारत होना होता है। इसका सत्परिणाम समुद्र मंथन से निकले चौदह प्रसिद्ध रत्नों की तरह साधक को दिव्य विभूतियों के रूप में प्राप्त होता है। मूलाधार और सहस्रार को नीचे ऊपर वाले महाचक्रों को यदि कुंडलिनी जागरण साधना के विशेष वर्ग में गिन लिया जाए तो शेष मध्यवर्ती पांच चक्र ही रह जाते हैं। इन्हें पांच कोश या पांच चक्र कह सकते हैं। कोश व्याख्या में इन्हें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कहते हैं। चक्र वर्णन में इन्हीं को स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह एक ही तत्व का दो रूप में वर्णन विवेचन मात्र है, वस्तुतः है एक ही। चक्रों का जागरण या कोशों का अनावरण एक ही बात है। संख्या की दृष्टि से पांच, छह या सात की गणना से किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री माता के पांच मुखों की उच्च स्तरीय साधना परम शांतिदायिनी और महान शक्तिशालिनी साधना है। इस प्रक्रिया को ब्रह्मचर्य का योगाभ्यास साधना पक्ष समझा जाना चाहिए। मृदुचंद्रायण की साधना विधि। मृदुचंद्रायण व्रत सरल होते हुए भी परिणाम की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। शारीरिक कष्ट उतना ही उठाया जाना चाहिए
जितने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ने की आशंका उत्पन्न ना हो। करना तो कठिन ही करना, ना करना तो बिल्कुल छोड़ देना, यह नीति ठीक नहीं। औचित्य मध्यम मार्ग का ही है। बीच का काम चलाऊ मार्ग निकाल लेने से सत्कर्मों की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति बनी रहती है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की ही प्रतिष्ठा मानी गई है। वह उत्साहवर्धक रहते हैं और उस मार्ग पर चलने का साहस बना रहता है। चांद्रायण व्रत के आशाजनक लाभों को देखते हुए मन उसे करना तो चाहता है, पर विधान की कठोरता को देखते हुए वैसा साहस नहीं होता। ऐसी दशा में मृदु चंद्रायण व्रत का मध्यम मार्ग अपनाना ही बुद्धिमत्तापूर्ण रहेगा। मृदु चांद्रायण व्रत किसी भी मास के पूर्णिमा से आरंभ करके अगली पूर्णिमा को समाप्त करना चाहिए। यों ज्येष्ठ, श्रावण, अश्विन, मार्गशीर्ष और माघ इसके लिए विशेष शुभ माने गए हैं, पर निषेध किसी भी महीने का नहीं है। लिखा यह है कि मनुष्य का पूर्ण आहार जितना हो उसका एक आहार पिंड बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन वह पूरा पिंड खाया जाए। फिर कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की एक एक कला जिस प्रकार घटती है उसी प्रकार एक एक अंश घटाते चलना चाहिए। पूर्ण पिंड को तोलकर उसका 14वां अंश प्रतिदिन घटाते रहा जाए। इस प्रकार घटाते घटाते कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक अंश मात्र लिया जाए और अमावस्या को पूर्ण निराहार रहा जाए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भी निराहार रहना चाहिए। चंद्रमा अमावस्या और प्रतिपदा दो दिन दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए दोनों दिन आहार ना लेने का विधान है। फिर जिस क्रम से एक एक 14वां अंश कृष्ण पक्ष में घटाया गया था उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाओं की तरह भोजन भी बढ़ाते रहा जाए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जितना आहार लिया था उतना ही दौज को लिया जाए और जितना कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को लिया गया था उतना शुक्ल पक्ष की तीज को। इस प्रकार पूर्णिमा को उतने पूरे आहार तक पहुंच जाना चाहिए जितना कि आरंभ करते हुए पिछले मास की पूर्णिमा को लिया गया था। किसी किसी पक्ष में तिथियां घट या बढ़ जाती हैं। पंचांग देखकर उसी क्रम से आहार के अंशों को भी घटा या बढ़ा लेना चाहिए। यदि किसी पक्ष में एक तिथि बढ़े तो 14 के स्थान पर 15वें अंश को घटाने या बढ़ाने का क्रम रखना चाहिए, और यदि एक तिथि घट जाए तो 13 का क्रम घटाना या बढ़ाना उचित है। चंद्रमा की कलाओं पर इस व्रत का आधार रहने से आहार के घटाने या बढ़ाने का क्रम भी उन्हीं के अनुसार बदलना पड़ता है। आहार के लिए पिंड शब्द प्रयोग होने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में खिचड़ी, दलिया, सत्तू या ऐसी ही कोई चीज पकाकर उसका एक गोला बना लिया जाता होगा और उस गोले का भार प्रतिदिन घटाया बढ़ाया जाता रहता होगा। इससे यह प्रतीत होता है कि आहार में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं ना रहती होंगी, एक या कई वस्तुओं को मिलाकर एक ही जगह पका लिया जाता होगा। इस व्यवस्था में अनेक खाद्य पदार्थों के द्वारा अनेक स्वाद प्राप्त करने वाली स्वादोलुपता का निषेध है। अनेक प्रकार की वस्तुएं एक समय में खाना वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यह प्रथा तो केवल जिह्वा की लोलुपता पूरी करने के लिए ही चली है। चूंकि चांद्रायण व्रत में स्वास्थ्य सुधार और लोलुपता पर नियंत्रण का इंद्रिय संयम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आहार पिंड की व्यवस्था का महत्व भी सहज ही समझ में आ जाता है। पिंड शब्द से एक और बात भी प्रकट होती है कि आहार एक बार ही लिया जाए। यदि दोनों समय लेने का विधान रहा होता तो 14 के स्थान पर 28 भागों में पूर्ण भोजन को विभाजित करने की व्यवस्था रही होती। उपरोक्त व्यवस्था की भावना को ध्यान में रखते हुए आज की परिस्थितियों में कुछ ढील भी रखी जा सकती है। पिंड ना बनाकर भले ही रोटी, शाक, दाल, भात जैसी वस्तुएं अलग अलग बना ली जाएं, पर उनकी संख्या दो ही रहे तो उत्तम है। अधिक वस्तुओं का भोजन में होना आहार संबंधी विलासिता है। इसमें रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता हो जाती है।
आहार में खाद्य पदार्थों की संख्या जितनी कम रहेगी उतना ही वह सात्विक माना जाएगा। संयमी संत महात्मा भिक्षा में एक प्रकार की वस्तुएं भिन्न भिन्न घरों से प्राप्त करते हैं तो उन्हें मिलाकर इकट्ठा कर लेते हैं ताकि जिह्वा की लोलुपता को पनपने का अवसर ना मिले। चांद्रायण व्रत करने वालों को इतना नियम रखना ही चाहिए कि आहार में दो प्रकार की वस्तुओं से अधिक संख्या ना हो। मिर्च मसाले छोड़ देना ही उचित है। अस्वाद व्रत पालन करते हुए नमक और शक्कर छोड़कर अलोना भोजन बन पड़े तो सर्वोत्तम है, अन्यथा सिंधा नमक काम में ले सकते हैं। सिंधा नमक सात्विक माना गया है। मिर्च के बिना काम ना चले तो काली मिर्च, अदरक या सौंठ ली जा सकती है। आंवला या नींबू की खटाई ग्रहण की गई है, अन्य खटाई वर्जित है। हींग, लाल मिर्च और गरम मसाले सर्वथा त्याज्य हैं। हल्दी, जीरा, धनिया इन तीन का निषेध नहीं है। आरंभ करते समय पूर्णिमा को लिए गए एक समय के भोजन का 14वां अंश घटाना पड़ता है। इस प्रकार दिन भर के भोजन का आधा अंश तो पहले ही कम हो जाता है और शेष आधे में भी प्रतिदिन कमी होती चलती है। इतना कठिन अल्पाहार एक महीने तक चलाने में दुर्बल स्वभाव या शरीर वाले व्यक्ति घबराते हैं। इसलिए मध्यम मार्ग यह हो सकता है कि सायंकाल को भी थोड़ा दूध, दही, शाक, रसा या फलों का रस, इनमें से कोई एक चीज ले ली जाया करे। इससे भूख भी असहनीय ना रहेगी और शरीर भी दुर्बल ना होगा। इसी प्रकार प्रातःकाल भी इन्हीं में से कोई पेय पदार्थ लिया जा सकता है। नींबू और शहद मिला हुआ पानी आवश्यकता अनुसार दिन में कई बार भी लिया जा सकता है। अन्नाहार दोपहर को एक बार ही लेना चाहिए। आहार को घटाने और बढ़ाने का यह क्रम मानसिक और आत्मिक पवित्रता की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही पेट के पाचन तंत्रों को विश्राम देकर उनकी नष्ट हुई शक्तियों को पुनः सजीव बनाने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। पर आहार की न्यून अधिकता मात्र ही चांद्रायण व्रत नहीं है। इसका मूल उद्देश्य अंतःकरण पर चढ़े हुए मल आवरण और विक्षोभों का समाधान तथा किए हुए पापों का प्रायश्चित करना भी है। आंतरिक पवित्रता की अभिवृद्धि के लिए ही चांद्रायण व्रत किए जाते हैं। शारीरिक लाभ तो एक गौण बात है। इसलिए व्रत काल के एक महीने में गायत्री उपासना का भी एक नियमित क्रम बना लेना चाहिए। 30 दिनों में 125,000 गायत्री का जप अनुष्ठान करने के लिए प्रतिदिन 42 माला जप करना पड़ता है। उसमें प्रायः 4 घंटे लगते हैं। प्रातः 2.5-3 घंटे और सायंकाल 1-1.5 घंटा लगाने से यह उपासना आसानी से पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मचर्य, भूमि या तख्त पर सोना, अपने शरीर की सेवा स्वयं करना, हजामत, कपड़े धोना आदि कार्य स्वयं करने चाहिए। भोजन पकाने में अपना अभ्यास ना हो तो माता या पत्नी से सहायता ली जा सकती है। पर चाहे जिसके हाथ का बना हुआ भोजन भी उन दिनों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पकाने वाले व्यक्ति के संस्कार यदि अच्छे ना हुए तो उसका प्रभाव अपनी मनोभूमि पर पड़ेगा और व्रत का जो लाभ मिलना चाहिए वह ना मिलेगा। दूसरों की शारीरिक सेवा लेना तो वैसे भी उन दिनों वर्जित रहता है। चमड़े का उपयोग वर्जित है, क्योंकि आजकल 99% चमड़ा हत्या करके उपलब्ध किया जाता है और उसका उपयोग करने वाले के सिर पर उस हत्या का आसुरी प्रभाव पड़ता है। लकड़ी, रबड़ या कपड़े के जूते इस व्रत काल में प्रयोग करने चाहिए। त्रिविधि मुद्राएं और उनकी प्रतिक्रियाएं। शरीर एवं स्थूल अवयवों के विशिष्ट व्यायामों को आसन कहते हैं। वे साधारण कसरतों से भिन्न हैं। कसरत की पहुंच प्रधानतया मांसपेशियों तक सीमित रहती है। नस नाड़ियों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, किंतु आसनों की विशेष व्यवस्था में ऐसे आधार सन्निहित हैं जिनके सहारे भीतरी अवयवों को भी प्रभावित किया जा सके। आमाशय, आँखें, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, हृदय और प्रमुख अवयवों को आसनों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। उनकी असमर्थता एवं रुग्णता के निवारण में आसनों द्वारा विशेष सहायता मिलती है। किस स्थिति में किस आसन का उपयोग
कितने समय तक किया जाए, इसके लिए साधक की शारीरिक मानसिक स्थिति का पर्यवेक्षण आवश्यक है। निदान के उपरांत ही उपयुक्त उपचार की बात बनती है। इस संदर्भ में व्यायाम को अधिक स्थूल एवं आसनों को अधिक गहरी पहुंच वाला सूक्ष्म माना जाता है। इनके उपरांत गहराई की तीसरी परत में मुद्राओं का नंबर आता है। वे प्रधानतया इंद्रियों की रहस्यमय शक्ति से संबंधित है। उनका प्रभाव इतनी गहराई तक पहुंचता है कि ज्ञानेंद्रियों की क्षमता अधिक प्रखर बनाई जा सके, और यदि उनमें किसी प्रकार की दुर्बलता रुग्णता का समावेश हो गया है तो उनका निवारण आरंभ हो सके। हठ योग के प्रयोगों में 20 मुद्राओं का उपयोग होता है। उनमें से कुछ का प्रभाव शारीरिक, कुछ का मानसिक, कुछ का कारण क्षेत्रों की गहराई तक होता है। इनमें से सभी को जानना सीखना कल्प साधकों के लिए ना तो आवश्यक है और ना उपयोगी। उनमें से जो प्रमुख प्रभाव उत्पादक, अधिक सरल एवं अधिक उपयोगी परिणाम उत्पन्न करने वाली हैं, मात्र ऐसी ही 3 को लिया गया है। प्राणायामों की तरह मुद्राओं में भी 3 का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, वरन स्थिति के अनुरूप जो सरल हो उन्हीं को उस अवधि में कार्यान्वित कराने के लिए निश्चित किया जाता है। मुद्राओं में से 3 ली गई हैं। पहला शक्तिचालिनी, दूसरा शिथिलीकरण मुद्रा, तीसरा खेचरी मुद्रा। इनमें से शक्तिशालिनी का संबंध मूलाधार से है। कुंडलिनी का निवास केंद्र यही है। पौरुष, प्रजनन, उत्साह इसी केंद्र से संबंधित हैं। शक्तिचालिनी के आधार पर मूलाधार को जागृत, नियंत्रित एवं अभीष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शिथिलीकरण मुद्रा का संबंध हृदय चक्र से है। उस स्थान से जीवनी शक्ति, बलिष्ठता एवं तेजस्विता का संबंध है। भावनाओं को दिशा देना भी इसी क्षेत्र के प्रयत्नों से बन पड़ता है। तीसरी खेचरी मुद्रा है। इसका संबंध ब्रह्मरंध्र सहस्रार कमल से है। पुराणों में इसी को क्षीर सागर, कैलाश पर्वत की उपमा दी गई है। यहाँ मन, बुद्धि, चित्त से संबंधित सभी तंत्र विद्यमान हैं। खेचरी मुद्रा के द्वारा उनमें से किसी को भी किसी भी प्रयोजन के लिए जागृत एवं तत्पर किया जाता है। मंदता, तनाव से लेकर मनोविकारों तक में इस केंद्र की सहायता ली जा सकती है। अध्यात्म विज्ञान में सूक्ष्म शरीर की 3 रहस्यमय शक्तियों का उल्लेख है। पहला ब्रह्म ग्रंथि, दूसरा विष्णु ग्रंथि, तीसरा रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि खेचरी मुद्रा से, विष्णु ग्रंथि शिथिलीकरण से और रुद्र ग्रंथि शक्तिचालिनी से संबंधित है। इन 3 के स्वरूप, कारण, रहस्य, अभ्यास एवं प्रतिफल साधना ग्रंथों में विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। उन सबका सार संक्षेप इतना ही है कि मस्तिष्क, हृदय और प्रजनन तंत्र में वरिष्ठता उत्पन्न करने के लिए उपरोक्त 3 मुद्राओं की साधनाओं का प्रयोग किया जा सकता है और उनका चमत्कारी प्रतिफल देखा जा सकता है। 3 मुद्राओं का परिचय इस प्रकार है। शक्तिचालिनी मुद्रा, यह मुद्रा वज्रासन या सुखासन में बैठकर की जाती है। इसमें मल एवं मूत्र संस्थान को संकुचित करके उन्हें ऊपर की ओर खींचा जाता है। खिंचाव पूरा हो जाने पर उसे धीरे से शिथिल कर देते हैं। प्रारंभिक स्थिति में 2 मिनट और धीरे धीरे 5 मिनट तक बढ़ाते हुए यही क्रिया बार बार दोहराएं। उड्डयन बंद में स्थित आंतों को ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह क्रिया स्वतः शक्तिचालिनी मुद्रा के साथ धीरे धीरे होने लगती है। पेट को जितना ऊपर खींचा जा सके खींचकर पीछे पीठ से चिपका देते हैं। उड्डयन का अर्थ है उड़ना। कुंडलिनी जागृत करने, चित्तवृत्ति को अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी करने की यह पहली सीढ़ी है। इससे सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है। मूलाधार चक्र में चेतना आती है। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा समूचे कुंडलिनी क्षेत्र पर ऐसा सूक्ष्म विद्युतीय प्रभाव पड़ता है जिससे इस शक्ति स्रोत के जागरण व मेरुदंड मार्ग से ऊर्ध्वगमन के दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं।
दूसरा शीतलीकरण मुद्रा, योग निद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास शवासन में लेटकर अथवा आराम कुर्सी पर शरीर ढीला छोड़कर किया जाता है। यह क्रिया शरीर मन बुद्धि को तनाव से मुक्त करके नई चेतना से अनुप्रमाणित कर देती है। साधक को शरीर से भिन्न अपने स्वयं की सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। कोलाहल मुक्त वातावरण में शवासन में लेटकर पहले शरीर शिथिलीकरण के स्वयं को निर्देश दिए जाते हैं। शरीर के निचले अंगों से आरंभ करके शनै शनै यह क्रम ऊपर तक चलते हैं। हर अंग को एक स्वतंत्र सत्ता मानकर उसे विश्राम का स्नेह भरा निर्देश देते हैं। कुछ देर उस स्थिति में छोड़कर धीरे से श्वास तीव्र करके शरीर को कड़ा और फिर ढीला होने का निर्देश दिया जाता है। धीरे धीरे शारीरिक शिथिलीकरण सधने पर क्रमशः मानसिक शिथिलीकरण एवं दृश्य रूप में शरीर पड़ा रहते देखते चेतना सत्ता के सरोवर में ईश्वर को समर्पित कर देने की भावना की जाती है। शिथिलीकरण योग निद्रा का प्रथम चरण है। अचेतन को विश्राम देने, नई स्फूर्ति दिलाने तथा अंतराल के विकास आत्मशक्ति के उद्भव का पथ प्रशस्त करने की यह प्रारंभिक क्रिया है। तीसरा खेचरी मुद्रा, शांत मस्तिष्क को ब्रह्मलोक और निर्मल मन को क्षीर सागर माना गया है। मनुष्य सत्ता और ब्रह्मलोक व्यापी समष्टि सत्ता का आदान प्रदान ब्रह्मरंध्र मार्ग से होता है। यह मस्तिष्क का मध्य बिंदु है, जीव सत्ता का नाभिक है, यही सहस्रार कमल है। मस्तिष्क मज्जा रूपी क्षीर सागर में विराजमान विष्णु सत्ता के सानिध्य और अनुग्रह का लाभ लेने के लिए खेचरी मुद्रा की साधना की जाती है। ध्यान मुद्रा में शांत चित्त से बैठकर जीवाग्र भाग को तालु मूर्धा से लगाया जाता है। सहलाने जैसे मंद मंद स्पंदन किए जाते हैं। इस उत्तेजना से सहस्रदल कमल की प्रसुप्त स्थिति जागृति में बदलती है। बिंदु छिद्र खुलते हैं और आत्मिक अनुदान जैसा रसा स्वादन जीवाग्र भाग के माध्यम से अंतर चेतना को अनुभव होता है। यही खेचरी मुद्रा है। तालु मुद्रा को कामधेनु की उपमा दी गई है और जीभ के अगले भाग से उसे सहलाना सोमपान या पयपान कहलाता है। इस क्रिया से आध्यात्मिक आनंद की उल्लास की अनुभूति होती है। यह दिव्य लोक से आत्मलोक पर होने वाली अमृत वर्षा का चिन्ह है। देव लोक से सोमरस की वर्षा होती है। अमृत कलश से प्राप्त अनुदान आत्मा को अमरता की अनुभूति देते हैं। तीनों ही मुद्राएं भावना प्रधान है। चिंतन के साथ भाव संवेदनाएं जितनी प्रगाढ़ होंगी उतनी ही क्रिया प्राणवान बनेगी। कृत्य को ही सब कुछ मानने वालों को इस मूलभूत तथ्य को सर्वप्रथम हृदयंगम कर लेना चाहिए। तीन विशिष्ट प्राणायाम और उनके प्रतिफल। प्राणवान बनने के लिए लोक व्यवहार में कई उपाय हैं, पर अध्यात्म विज्ञान के अनुसार प्राण विद्या के सहारे भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्राण उपचार के कितने ही मार्ग हैं जिनका संकेत प्रश्नोपनिषद में सूक्ष्म विवेचना के साथ किया गया है। संक्षेप में यह साधना प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा सदती है। विज्ञात प्राणायामों की संख्या 84 है, अविज्ञात इससे भी अधिक हो सकते हैं। कल्प साधना के साधकों को प्राणवान बनाने के उद्देश्य से ऐसे निर्धारण चुने गए हैं जो सर्वसुलभ हैं, जिनके प्रयोग में लाभ तो बहुत है किंतु कोई भूल रहने पर हानि की तनिक भी आशंका नहीं है। ऐसे तीन प्राणायाम कल्प साधना के एक मास में कराए जाते हैं। हर एक को तीन नहीं, इनमें से एक ही उसकी स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए निर्धारित किया जाता है। उसे एक महीने तक नियत समय तक नियत विधि से
करते रहना होता है। नाड़ी शोधन को एक प्रकार से आयुर्वेदोक्त पंचकर्म के समतुल्य माना जा सकता है। शारीरिक मलों के निष्कासन में वमन, विरेचन, स्वेदन, स्नेहन, नस्य के 5 उपाय अपनाए जाते हैं और विभिन्न अवयवों में भरे हुए संचित मलों को निकाल बाहर किया जाता है। इसके उपरांत ही बलवर्धक रसायन पूरी तरह काम करते और प्रभाव दिखाते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी सूक्ष्म क्षेत्र में वही प्रभाव पड़ता है। पंचकर्म में प्रत्यक्ष मल इंद्रिय छिद्रों से होकर निकलते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में वही बात सूक्ष्म मलों का निष्कासन करने के रूप में श्वसन क्रिया के माध्यम से संपन्न होती है। प्राणाकर्षण प्राणायाम में ब्रह्मांड व्यापी प्राण तत्व से अपने लिए जिस स्तर का प्राण आवश्यक होता है उसे खींचा जाता है। जिस प्रकार वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन आदि अनेकों रासायनिक सम्मिश्रण रहते हैं, उसी प्रकार संव्याप्त प्राण चेतना में भी ऐसे तत्व घुले हुए हैं जो विभिन्न स्तर के हैं और विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों में प्रयुक्त होते हैं। उनमें से जिसकी जितनी मात्रा आवश्यक हो उसे उस अनुपात में खींचकर अपने किसी अंग विशेष में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसकी पद्धति, प्रक्रिया और विधा कल्प साधना काल में बताई जाती है। सूर्य वेधन प्राणायाम में प्रकाश पुंज को आर पार करने की प्रक्रिया बनती है। चीरते हुए गुजरने में मध्यवर्ती ऊर्जा के साथ संपर्क बनता है और सतही प्रभाव के हल्कापन से उलझे रहने के स्थान पर अंतराल में पाई जाने वाली प्रखरता के साथ जुड़ने की बात बनती है। सूर्य को इस विश्व का प्राण माना गया है। सविता सचेतन प्राण ऊर्जा केंद्र है। उपरोक्त तीनों प्राणायामों की विधि संक्षेप में इस प्रकार है। पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राण प्रयोग में 3 बार बाएं नासिका से सांस खींचते और छोड़ते हुए नाभि चक्र में चंद्रमा का शीतल ध्यान, 3 बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस खींचते और छोड़ते हुए सूर्य का उष्ण प्रकाश वाला ध्यान तथा आखिरी बार दोनों छिद्रों से सांस खींचते हुए मुख से सांस निकालने की प्रक्रिया संपादित की जाती है। पद्मासन में बैठें, कमर सीधी रहे, दाई नासिका का छिद्र बंद कर बाएं से सांस खींचें और उसे नाभि चक्र तक ले जाएं। ध्यान करें कि नाभि स्थान में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश विद्यमान है। सांस उसे स्पर्श कर स्वयं शीतल एवं प्रकाशवान बन रहा है। इसी नथुने से सांस बाहर निकालें और थोड़ी देर सांस रोककर बाईं ओर से ही इड़ा के इस प्रयोग को 3 बार करें। अब दाएं नथुने से इसी प्रकार पूरक, अंतःकुंभक, रेचक व बाह्य कुंभक करें व नाभि चक्र में चंद्रमा के स्थान पर सूर्य का ध्यान करें। भावना कीजिए कि नाभि स्थित सूर्य को छूकर लौटने वाली वायु पिंगला नाड़ी से होते हुए ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रही है। इस क्रिया को भी 3 बार करें। अंत में नासिका के दोनों छिद्र खोलकर सांस खींचकर व भीतर रोककर मुंह खोलकर 1 बार में ही बाहर निकाल दें। प्रारंभ में एक ही नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, पीछे धीरे धीरे संख्या बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, प्राणाकर्षण प्राणायाम। इस सृष्टि में सतत विभिन्न स्तर के प्राण प्रवाहों का स्पंदन चल रहा है। साधक अपने पुरुषार्थ से इन्हें सहज ही प्राप्त व धारण कर सकता है। प्राणाकर्षण प्रयोग में अंतरिक्ष के असीम प्राण भंडार से अनुदान प्राप्त किए जाते हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार है। पूर्व अभिमुख हो पालथी मारकर बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। ध्यान करें कि अखिल आकाश प्राण तत्व से व्याप्त है। सूर्य के प्रकाश में चमकते बादलों की शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है। नासिका के दोनों छिद्रों से सांस खींचते हुए
यह भावना कीजिए कि प्राण तत्व के उफनते हुए बादलों को हम अपने अंदर खींच रहे हैं। यह प्राण हमारे विभिन्न अंग अवयवों में प्रवेश कर रहा है। जितनी देर आसानी से सांस रोक सकें, सांस को भीतर रोकें, भावना करें कि प्राण तत्व में सम्मिश्रित चैतन्य, बल, तेज, साहस, पराक्रम जैसे घटक हमारे अंग प्रत्यंगों में स्थिर हो रहे हैं। इसके बाद सांस धीरे धीरे बाहर निकालें। साथ ही चिंतन कीजिए कि प्राण का सार तत्व हमारे अंग प्रत्यंगों द्वारा पूरी तरह सोख लिया गया। थोड़ी देर बिना सांस के रहें व भावना करें कि जो दोष बाहर निकाले गए हैं वे हमसे बहुत दूर चले जा रहे हैं व उन्हें अब अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। इस पूरी प्रक्रिया को 5 प्राणायामों तक ही सीमित रखा जाए। तीसरा, सूर्यवेधन प्राणायाम। ब्रह्म प्राण को आत्म प्राण के साथ संयुक्त करने के लिए उच्च स्तरीय प्राणयोग की आवश्यकता पड़ती है। सूर्यवेधन इसी स्तर का प्राणायाम है। इसमें ध्यान धारणा को और भी अधिक गहरा बनाया जाता है एवं प्राण ऊर्जा को सांस द्वारा खींचकर इसे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कराया जाता है। पद्धति इस प्रकार है। पूर्व अभिमुख, सरल पद्मासन, मेरुदंड सीधा, नेत्र अध खुले, दोनों घुटनों पर हाथ, ये ध्यान मुद्रा है। बाएं हाथ को मोड़ें, उसकी हथेली पर दाएं हाथ की कोहनी रखकर दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिने नथुने पर अनामिका उंगलियों से बाएं नथुने को बंद कर गहरी सांस खींचें। सांस इतनी गहरी हो कि पेट फूल जाए, वह फेफड़े तक सीमित ना रहे। ध्यान करें कि प्रकाश प्राण से मिलकर दाएं नासिका छिद्र से पिंगला नाड़ी में होकर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहा है। सांस रोकें और दोनों नथुने बंद कर यह ध्यान करें कि नाभि चक्र के प्राण द्वारा एकत्रित यह तेज पुंज यहाँ अवस्थित चिरकाल से प्रसुप्त पड़े सूर्य चक्र को प्रकाशवान कर रहा है। वह निरंतर प्रकाशवान हो रहा है। अब बाएं नथुने को खोल दें और ध्यान करें कि सूर्य चक्र को सतत घेरे रहने वाले धुंधला बनाने वाले कलमश छोड़ी हुई सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। पीत वर्ण का मलिन धुंधला प्रकाश इड़ा नाड़ी से बाहर निकल रहा है। अब दोनों नथुने फिर बंद कर फेफड़ों को बिना सांस के खाली रखें और भावना करें कि नाभि चक्र में एकत्रित प्राण तेज पुंज की तरह अग्नि शिखा की तरह ऊपर उठ रहा है। सुषुम्ना नाड़ी से प्रस्फुटित हुआ यह प्राण तेज सारे अंतर प्रदेश को प्रकाशवान बना रहा है। सर्वत्र तेजस्विता व्याप्त हो रही है। यही प्रक्रिया फिर बाएं नथुने से सांस खींचते व रोक कर दाएं से बाहर फेंकते हुए दोहराएं। वह भावना उसी प्रकार करें जैसा ऊपर वर्णित है। यह पूरी प्रक्रिया लोम विलोम सूर्यवेधन प्राणायाम की कहलाती है। प्राण धारण प्रक्रिया डीप ब्रीदिंग सामान्य श्वास प्रश्वास अभ्यास से अलग है। इसमें साधक महाप्राण के भंडागार से अपनी पात्रता के अनुरूप प्राण रूपी आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करते व उसका सदुपयोग प्रसुप्त की जागृति में करते हैं। अनेकानेक फल श्रुतियों से भरा यह साधना उपक्रम हर कल्प साधक को संक्षेप में ही सही जानना अनिवार्य है। परिशोधन के लिए चांद्रायण प्रायश्चित। अध्यात्म साधना में अपने आपे को ईश्वर के रंग में रंगना होता है, तभी दोनों का वर्ण एक जैसा बनता है। इसके लिए सर्वप्रथम धुलाई करनी पड़ती है। कपड़े को बिना धोए रंगा जाए तो काम ना चलेगा। वह तेल कीचड़ में डूबा हो तो रंगने के लिए किया गया परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। रंगाई को साधना और धुलाई को प्रायश्चित तप कहते हैं। मैले कुचले गंदे कपड़े जिन्हें किसी का मन देखने छूने पहनने का नहीं करता, उन्हें शुद्ध आकर्षक और पहनने योग्य स्थिति में बदल लेना धोबी का काम है। है यह स्थिति को श्रेय में देने का चमत्कार धोबी का हाथ ही कर दिखाता है।
यह कार्य प्रायश्चित का है। वे मनुष्यों के गिरी गंदी जीवन स्थिति का कायाकल्प जैसा परिवर्तन करता है और देखते देखते उच्च भूमिका में पहुंचा देता है। धोबी कपड़े को गर्म पानी में डालता है, उसका मेल फुलाता है, साबुन से गंदगी को काटता है, पीटता है, धोता है, सुखाता है, इसके बाद कलफ लगाकर लोहा कर देता है। इतने क्रियाकलाप में होकर गुजर जाने पर गंदा पुराना मैला कपड़ा नए से भी अधिक आकर्षक बन जाता है। प्रायश्चित में ठीक यह सब करना होता है। अपने गुण कर्म स्वभाव की मलिनताओं को समझना, इस जीवन में किए हुए पापों को स्मरण करना, उनके लिए दुखी होना और यह सब छोड़ने के लिए प्रबल तड़पन का उत्पन्न होना, यही गर्म पानी में कपड़े को डालना है। दबे हुए छिपे हुए मैल को फुलाकर स्पष्ट कर देना। अपनी जो बुराइयां भूलें, पाप कृतियां छिपाकर रखी थी, उन्हें प्रकट कर देना। मन में दुराव की कोई गांठ ना रखना। भीतर बाहर से एक सा हो जाना, यह मैल का फुलाना है। आज की स्थिति में सर्वसाधारण के सम्मुख अपने दुचरित्र प्रकट कर सकने का साहस ना होता हो तो कम से कम एक शोधक मार्गदर्शक के सम्मुख तो सब कुछ कह ही देना चाहिए। पाप का प्रकटीकरण पाप को हल्का करता है और चित्त पर से भारीपन का बोझ उतारता है। साबुन लगाना भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करना है। प्रायश्चित की सार्थक था तभी है जब पिछली गतिविधियों को बदलकर श्रेयता के पद पर चलने का निश्चय हो। यह निश्चय ही साबुन है। स्थूल साबुन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे इस योग्य समझा जाए, जिसके सामने पाप प्रकट किए जाए और जिसके परामर्श से प्रायश्चित विधान का निश्चय किया जाए। लकड़ी से पिटाई, पानी में धुलाई प्रायश्चित की तपश्चर्या, जिसे पिछली भूलों के दंड स्वरूप स्वेच्छापूर्वक किया जाता है। शारीरिक और मानसिक सुविधाओं से कुछ समय के लिए अपने को वंचित कर देना, यही तप कहलाता है। किस कर्म के लिए किस स्थिति के व्यक्ति को क्या तपश्चर्या करनी चाहिए, यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है। इसका निर्णय किसी तत्वज्ञानी से ही कराना चाहिए। अलग स्थिति के व्यक्तियों के लिए एक ही दुष्कर्म की गरिमा भारी हल्की होती है। दंड के लिए भी शारीरिक मानसिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। यह निर्णय स्वयं नहीं करना चाहिए, वरन किसी तत्वज्ञानी से ही कराना चाहिए। कलफ लगाना, लोहा करना, यह है कि जो क्षति समाज को पहुंचाई है उसकी पूर्ति के लिए दान त्याग जैसा कार्य या अपनी जैसी स्थिति हो उसके अनुसार पुण्य परमार्थ के कार्य करने चाहिए। इससे उस ऋण से मुक्ति मिलती है जो अनीति द्वारा अपहरण करके अपने सिर पर एकत्रित किया था, जो कभी ना कभी ब्याज समेत चुकाना ही पड़ता। अच्छा यही है कि उसे ईमानदारी और स्वेच्छापूर्वक इसी जन्म में चुका दिया जाए। कलफ लगाना यही है। लोहा करने का अर्थ है भावी जीवन की रीति नीति का व्यवस्थापूर्वक निर्धारण। इसमें सोचने का ढंग, दृष्टिकोण बदलना और कार्य पद्धति का हेर फेर, ये दोनों ही बातें सम्मिलित हैं। शरीर की क्रियाएं बदलें, मन ना बदले तो भी काम नहीं चलेगा, और मन बदल जाए, शरीर वही हेय कर्म करता रहे तो भी वह विडम्बना ही है। दोनों की परिवर्तित स्थिति भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करती है, और जिस पर चलने के लिए सुदृढ़ निश्चय किया जाता है उसी की सार्थकता है। प्रायश्चित का आरंभ जीवन शोधन की तड़प से आरंभ होता है। मध्य में शोधनात्मक क्रिया कृत्य करना पड़ता है और अंत में भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करने के रूप में उसकी पूर्णाहुति करनी पड़ती है। सर्वांगीण प्रायश्चित की यही समग्र प्रक्रिया है। दुष्कर्मों से अपने अंतःकरण को, विचार संस्थान को तथा काय कर्मों को जिस प्रकार दुष्प्रवृत्तियों से भर दिया गया था, उसी साहस और प्रयास के साथ इन तीनों संस्थानों के परिमार्जन, परिशोधन एवं परिष्कार की प्रक्रिया को प्रायश्चित कहा गया है। पाप कर्मों से समाज को क्षति पहुंचती है, सामान्य मर्यादा प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है, लोक परंपराएं नष्ट होती हैं, अनेकों को कुमार्ग पर चलने के लिए अनुकरण का उत्साह मिलता है। जिन्हें क्षति पहुंची है वे विलाप करते हैं
और उससे वातावरण विक्षुब्ध होकर सार्वजनिक सुख शांति के लिए संकट उत्पन्न करता है। ऐसे ऐसे अन्य अनेक कारण हैं जिन्हें देखते हुए समझा जा सकता है कि जिसे पाप कर्म द्वारा क्षति पहुंचाई गई, अकेले उसी की हानि नहीं हुई, प्रकारांतर से सारे समाज को क्षति पहुंची है। विराट ब्रह्म को, विश्व मानव को ही परमात्मा कहा गया है। यह एक प्रकार से सीधा परमात्मा पर आक्रमण करना, उसे आघात पहुंचाना और रुष्ट करना हुआ। अपराध सीधे ईश्वर के शरीर पर पड़ता है और उसे तिल मिलाने वाले कभी सुखी नहीं रहते। इस जन्म के विदित और स्मृत पापों से लेकर जन्म जन्मांतरों तक के पापों का निराकरण आवश्यक है। उन्हें निकालना और निरस्त करना आवश्यक है। विष खा लेने की गलती का परिमार्जन इसी प्रकार हो सकता है कि पेट और आंतों की धुलाई करके बमन विरेचन आदि द्वारा उसे जल्दी से जल्दी निकाल बाहर किया जाए। प्राण संकट उसी उपाय से चल सकता है। प्रायश्चित ही परिशोधन का एकमात्र उपाय है। साधना विज्ञान में भी शारीरिक मानसिक मलिनताओं के निष्कासन पर जोर दिया गया है। आयुर्वेद में विकार ग्रस्त शरीरों के मल शोधन की प्रक्रिया के उपरांत चिकित्सा का समुचित प्रतिफल मिलने की बात कही गई है। हठ योगी नेति, धोती, वस्ती, न्योली, बजरोली, कपाल भाति आदि क्रियाओं द्वारा मल शोधन करते हैं। आयुर्वेद में बमन विरेचन स्वेदन नस्य आदि शोधन कर्म करके संचित मलों का निष्कासन किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में यही कार्य उपवास एवं एनिमा के द्वारा किया जाता है। राजयोग में यम नियमों का विधान है। कुंडलिनी योग में नाड़ी शोधन की अनिवार्यता है। यह उसका विधान प्राणायामों की विशेष प्रक्रिया पर आधारित है, पर मूल उद्देश्य शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियों का निराकरण ही है। लोहे को काटने के लिए लोहा, विष को मारने के लिए विष, कांटे को निकालने के लिए कांटा प्रयुक्त करना पड़ता है। दुष्कर्मों के संचय को सत्कर्मों से निरस्त किया जाता है। आग में गर्म करने से धातुओं की शुद्धि होती है। रसायन बनाने के लिए अग्नि संस्कार की विधि प्रयुक्त होती है। तपाने से ईंटों से लेकर मृतिका पात्र तक मजबूत होते हैं। पानी गर्म करने से शक्तिशाली भाप बनती है। तपश्चर्या की आग से संचित दुष्कर्म और कुसंस्कारों का परिशोधन होता है। स्वेच्छापूर्वक दंड स्वीकार करने की शालीनता अपना लेने में पकड़े जाने पर दंड पाने की अपेक्षा मनुष्य की अधिक बुद्धिमानी है। इससे खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पाया जा सकता है। भूल का स्वीकार करने और सुधारने वाले व्यक्ति दया के पात्र समझे जाते हैं। उलट पड़ने से सुधार होता भी द्रुत गति से है। वाल्मीकि, अशोक, अंगुलीमाल, अजामिल, बिल्व मंगल आदि सब उलट गए तो उनका कुकर्मों में प्रयुक्त होने वाला दुस्साहस सत्साहस में बदल गया और वे ध्वंस की अपेक्षा सृजन की भूमिका संपन्न करने लगे। प्रायश्चित इसी स्तर का प्रयोग है। प्रायश्चित विधानों के अगणित उल्लेख कथा पुराणों में भरे पड़े हैं। शंख और लिखित दो भाई थे। एक ने दूसरे के बगीचे से बिना पूछे फल खा लिए। ये चोरी हुई। उन्होंने राजा के पास जाकर आग्रह पूर्वक दंड व्यवस्था कराई और उसे भुगता। बिलु मंगल ने कुदृष्टि रखने वाली आंखों को ही नष्ट कर लिया था। इस पर वे सूदास बने। सती ने शिवजी का आदेश ना माना और वे बिना बुलाए पिताग्रह चली गईं। भूल समझ में आने पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपनी ये भूल स्वीकार की कि उन्होंने अपने पुत्रों को अनिति से रोकने में आवश्यक कड़ाई नहीं बरती और महाभारत का महाविनाश उत्पन्न हो गया। दोनों ने प्रायश्चित तप करने की ठानी और वे मरण पर्यंत वनवास में रहकर तपश्चर्या करते रहे। कुंती ने भी अपनी भूलें स्वीकार की और वे भी धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा करने तथा अपना तप करने के लिए उन्हीं के साथ वन चली गईं। भूले मात्र कौरवों की ही नहीं, उसमें जुआ खेलने और पत्नी को दांव पर लगाने जैसे अनेक दोष पांडवों के थे। अस्तु उन्हें हिमालय में शीत से गलकर प्राण त्यागने का प्रायश्चित विधान अपनाना पड़ा। भीष्म सरसैया पर पड़े थे, मृत्यु सामने थी। उन्होंने प्रयत्न किया कि मृत्यु टल जाए
और वे उसी कष्टकर स्थिति को देर तक सहन करें ताकि अनिति समर्थन के पाप का प्रायश्चित संभव हो सके। वाल्मीकि पहले डाकू थे, पीछे ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चले। इस परिवर्तन बेला में उन्होंने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तप साधना को आवश्यक समझा। वर्णन है कि वे अविचल साधना में बैठ गए। उनके शरीर पर दीमक ने घर कर लिया, दीमक ने घर बना लिया। ब्रह्मा जी ने आकर दीमक छुड़ाई और पाप मुक्ति का वरदान दिया। इसी घटना के आधार पर उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि संस्कृत में दीमक को कहते हैं। ऐसी ही कथा सुकन्या की है। उसने महर्षि चयन के तप संलग्न शरीर पर जमी हुई मिट्टी को मात्र टीला समझा और उसमें से चमकती आंखों में लकड़ी डाली तो आंखें फूट गईं और रक्त बहने लगा। सुकन्या को जब इस अनर्थ का पता लगा कि उसकी भूल से कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इसका अनुमान लगाया तो निश्चय किया कि वह उनकी सेवा आजीवन करेगी और अपनी आंखों का ही नहीं पूरे शरीर का लाभ उन्हें देगी। आग्रहपूर्वक सुकन्या चयन ऋषि की पत्नी बनी और उसके इस प्रायश्चित से न केवल चयन को आरोग्य प्राप्त हुआ वरन सुकन्या का यश भी अमर हो गया। अंगुली माल ने चोरी डाके से मुंह मोड़कर बुद्ध की शरणागति प्राप्त की, साथ ही प्रायश्चित रूप दुष्कर्मों से कमाया धन धर्म प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। अम्बपाली भी इसी राह पर चली। भक्ति मार्ग पर चलने का निश्चय करने के साथ ही उसने न केवल वेश्यावृत्ति छोड़ी वरन उस आधार पर कमाई हुई विपुल संपदा भी बौद्ध विहारों के लिए दान कर दी। ऐसा ही प्रसंग पिंगला वैश्या का है। उसने भी भक्ति मार्ग अपनाने के साथ साथ जीवन परिवर्तन की वास्तविकता सिद्ध करने के रूप में प्रायश्चित किया था और अपना उपार्जन सत्कर्म में लगाया था। सम्राट अशोक ने भी यही किया था। उन्हें चंड कहा जाता था, चंड अर्थात क्रोधी। उसने अपने यौवन काल में अनेकों क्रूर कर्म किए थे। जब मुड़े बदले तो उन्होंने साधु की तरह निर्वाह रीति अपनाई और अपनी समस्त राज्य संपदा बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य में लगा दी। इतने कठोर प्रायश्चित तो इन दिनों नहीं बनते, फिर बने भी तो आत्मत्रास की वैसी उपयोगिता अब नहीं मानी जाती जैसी कि पूर्व काल में मानी जाती थी। चांद्रायण व्रत में जहाँ पापों के प्रायश्चित की प्रमुखता है, वहाँ आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य संतुलन, दृष्टिकोण का परिवर्तन, भविष्य निर्धारण एवं आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त होने जैसे अनेकों अतिरिक्त लाभ भी हैं। इसलिए उच्च स्तरीय साधना मार्ग पर चलने वालों को चांद्रायण साधना के लिए परामर्श दिया जाता है। सरल किंतु अति महत्वपूर्ण तीन योगाभ्यास। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के परिशोधन में संयम, विवेक और श्रद्धा संवर्धन को आवश्यक बताया गया है। यह बौद्धिक प्रयास है जिसमें मनुष्य को अपने मनोबल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे तो मात्र मार्गदर्शन कर पाते हैं, पर इतने भर से काम कहाँ चलता है। इसके लिए दो मार्ग हैं। एक, किसी सशक्त आत्मा का असाधारण अनुदान, जैसा कि विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस का मिला था। दूसरा, साधना तपश्चर्या योग अभ्यास का कोई ऐसा प्रयोग जिसके सहारे प्रसुप्त शक्ति केंद्रों को जागृत करके रहस्यमयी शक्तियों को आत्मनिर्णय तथा विश्व निर्माण के प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जा सके। कल्प साधना में ऐसे तीन योगाभ्यासों का निर्धारण किया गया है जो सभी साधकों को समान रूप से करने पड़ते हैं। इन्हें अनिवार्य साधनाओं में गिना गया है। इनमें एक बिंदु योग, दूसरा नाद योग और तीसरा लय योग है। बिंदु योग को त्राटक साधना भी कहा जाता है। नाद योग को अनाहत ध्वनि भी कहते हैं। लय योग को आत्मदेव की साधना कहते हैं। छया पुरुष जैसे अभ्यास इसी के अंतर्गत आते हैं। स्थूल शरीर के साथ लय योग, सूक्ष्म के साथ बिंदु योग और कारण शरीर के साथ नाद योग का सीधा संबंध है। इन साधनाओं के आधार पर इन तीनों चेतना क्षेत्रों को अधिक परिष्कृत, अधिक प्रखर
एवं अधिक समर्थ बनाया जा सकता है। अन्न जल वायु के तरह इन तीन साधनाओं को भी समान उत्कर्ष के दृष्टि से सर्व सुगम किंतु साथ ही असाधारण रूप से प्रभावी भी माना गया है। बिंदु योग ताटक साधना को आज्ञा चक्र का जागरण एवं तृतीय नेत्र का उन्मीलन कहा जाता है। दोनों भवों के बीच मस्तक के भ्रुकुटी भाग में सूक्ष्म स्तर का तृतीय नेत्र है। भगवान शंकर की देवी दुर्गा की तीन आंखें चित्रित की जाती हैं, दो आंखें सामान्य, एक भ्रुकुटी स्थान पर दिव्य। इसे ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने इसी के माध्यम से विराट के दर्शन कराए थे। भगवान शिव ने इसी को खोलकर ऐसी अग्नि निकाली थी जिसमें उपद्रवी कामदेव जलकर भस्म हो गया। दमयंती ने भी कुदृष्टि डालते व्याध को इसी नेत्र ज्वाला के सहारे भस्म कर दिया था। संजय इसी केंद्र से अद्भुत दिव्य दृष्टि का टेलीविजन की तरह, दूरबीन की तरह उपयोग करते रहे और धृतराष्ट्र को घर बैठे महाभारत का सारा आंखों देखा हाल सुनाते रहे। आज्ञा चक्र को शरीर विज्ञान के अनुसार वो पिट्यूटरी ग्रंथियों का मध्यवर्ती सर्किल माना जाता है और उसे एक प्रकार का त्रिदलीय चक्र दिव्य दृष्टि केंद्र कहा जाता है। टेलीविजन रडार टेलीस्कोप के समन्वय युक्त क्षमता से इसकी तुलना की जाती है। जो चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है वह इसमें सन्निहित अतीन्द्रिय क्षमता के सहारे परिलक्षित हो सकता है, ऐसी मान्यता है। दूरदर्शन, सूक्ष्म दर्शन, विचार संचालन जैसी विभूतियों का उद्गम इसे माना जाता है। साधारणतया यह प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है और उसके अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं मिलता, किंतु यदि इसे प्रयत्न पूर्वक जगाया जा सके तो यह तीसरा नेत्र विचार संस्थान की क्षमता को अनेक गुनी बढ़ा देता है। क्योंकि यह केंद्र दीपक की लौ के समान आकृति वाला बिंदु माना जाता है, इसलिए उसे जागृत करने की साधना को बिंदु योग कहते हैं। इसी का एक नाम त्राटक साधना भी है। यह साधना सरल है। आमतौर से पालथी मारकर कमर सीधी कर एकांत स्थान में साधना के लिए बैठते हैं। 3 फुट दूरी पर कंधे की सीध में ऊंचाई पर एक घृत दीप जलाकर रखते हैं। 10 सेकंड तक उसकी लौ को खुली आंख से देखना, फिर 1 मिनट बंद रखना, फिर 10 सेकंड देखने, 50 सेकंड बंद रखने का अभ्यास अनुमान से ही करना पड़ता है। घड़ी का उपयोग इस बीच बंद पड़ना सुविधाजनक नहीं रहेगा। दूसरा कोई चुपके से धागे आदि का संकेत कर दे तो दूसरी बात है। दीपक के प्रकाश की लौ आंखें बंद करके आज्ञा चक्र के स्थान पर प्रज्वलित देखने का अभ्यास करना होता है। साथ ही यह भी धारणा करनी होती है कि वह प्रकाश समूचे मस्तिष्क में फैलकर उसके प्रसुप्त शक्ति केंद्रों को जागृत कर रहा है। आरंभ में यह ध्यान 10 मिनट से आरंभ करना चाहिए और बढ़ाते बढ़ाते दूनी तिगुनी अवधि तक पहुंचा देना चाहिए। खोलने बंद करने का समय एक सा ही रहेगा। दीपक का सहारा आरंभ में ही कुछ समय लेना पड़ता है। इसके बाद आज्ञा चक्र के स्थान पर प्रकाश लो जलने और उनकी आभा से समूचा मनह संस्थान आलोकमय हो जाने की धारणा बिना किसी अवलंबन के मात्र कल्पना भावना के आधार पर चलती रहती है। दीपक की ही तरह प्रभातकालीन सूर्य का प्रकाश पुंज लक्ष्य इष्ट माना जा सकता है। गायत्री का प्राण सविता वही है। पालथी मारना, हाथ गोदी में और कमर सीधी रखने को ध्यान मुद्रा कहते हैं। दीपक धारणा की तरह प्रभातकालीन अरुणाभ सूर्य को 5 सेकंड खुली आंख से देखकर बाद में 55 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लेते हैं और आज्ञा चक्र के स्थान पर उस उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हैं। साथ ही यह धारणा करते हैं कि सविता देवता की ज्योति किरणें स्थूल शरीर में प्रवेश करके पवित्रता, प्रखरता, सूक्ष्म शरीर में दूरदर्शी विवेकशीलता, कारण शरीर में श्रद्धा संवेदना का संचार करती और समग्र काय कलेवर को ज्योतिपुंज बनाती हैं। सूर्य त्राटक की ध्यान धारणा आरंभ में 10 मिनट करनी चाहिए और धीरे धीरे 20 मिनट तक बढ़ा देनी चाहिए।
दीपक या सूर्य दोनों में से किसी को भी माध्यम बनाकर आज्ञा चक्र का जागरण, तृतीय नेत्र का उन्मीलन हो सकता है। कुछ समय तो लगता ही है। बीज बोने से लेकर वृक्ष फलने तक की प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय तो चाहिए ही। हथेली पर सरसों तो बाजीगर ही जमा सकते हैं। दूसरी साधना नादयोग की है। यह सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय द्वारा संपन्न की जाती है। खुले कान तो एक सीमा तक की समीपवर्ती प्रत्यक्ष ध्वनि ही सुन पाते हैं, किंतु सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय में श्रवणातीत दिव्य ध्वनियां सुनने की भी क्षमता है। प्रकृति का मूल शब्द है, वह अनादिकाल में ओमकार के ध्वनि गुंजन से ही विकसित हुआ है। उसकी समस्त गतिविधियां परमाणुओं के अंतराल में चलने वाली हलचलों और तरंगों के प्रभावों पर अवलंबित दिखती हैं। यदि उससे भी गहराई में उतरा जा सके तो प्रतीत होगा कि चरम मूल तक पहुंचते पहुंचते मात्र शब्द गुंजन ही शेष रह जाता है। ओमकार और उसके परिकर की अन्य ध्वनियां उस समस्त विश्व ब्रह्मांड की भूतकालीन घटनाओं, वर्तमान की परिस्थितियों तथा भावी संभावनाओं का सारा ढांचा इन्हीं चित्र विचित्र स्तर की ध्वनि तरंगों पर खड़ा पाया जाता है। प्रकाश, ऊर्जा आदि की अन्य तरंगे तो ध्वनि की परिणति एवं सहचरी मात्र हैं। नाद योग में इन्हीं को सुनने समझने का अभ्यास किया जाता है, ताकि उस आधार पर अपनी आंतरिक स्थिति का विश्लेषण पर्यवेक्षण किया जा सके एवं प्रकृति में चल रही सामयिक हलचलों का आधारभूत कारण समझकर अपनी ज्ञान परिधि को अत्यधिक व्यापक बनाया जा सके एवं भूतकाल के स्मृति कंपनों और भविष्य में घटित होने वाले प्रकरणों का पूर्वाभास उपलब्ध हो सके। नाद योग की शब्द साधना को कालजयी कहा जाता है। उस आधार पर हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सर्वविदित प्रवचन से, सर्वविदित प्रचलन से छलांग लगाकर दिव्य ध्वनियों के माध्यम से अपनी ज्ञान संपदा को न केवल प्रखर वरन उच्च स्तरीय भी बना सकते हैं। ऋषियों को दृष्टा, त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ आदि की सिद्धियां इसी आधार पर उपलब्ध होती थीं। यह चरम परिणति की चर्चा हुई। सामान्य स्तर पर भी नादयोग की आरंभिक साधना पराप्रकृति और कायगत तत्व प्रपंच के साथ संगति बिठाती है और अदृश्य क्षेत्र के साथ आदान प्रदान के नए द्वार खोलती है। बिंदु योग की तरह नाद योग में भी ध्यान मुद्रा पर एकांत स्थान में बैठते हैं, स्थूल ध्वनियों को रोकने के लिए कान में रुई लगा लेते हैं। इसके उपरांत प्रयत्न करते हैं कि प्रकृति के गर्भ में प्रवाहित दिव्य तरंगों का सुनना संभव हो सके। आरंभ में बहुत धीमा अनुभव होता है। जो सुनाई पड़ता है वह बंशी, नफीरी बजने, झिंगुर बोलने, भ्रमर गूंजने, बादल बरसने, झरना जैसे हल्का होता है। बाद में अधिक प्रखरता, उत्तेजना और उतार चढ़ाव भी उत्पन्न होने लगता है। यह दिव्य ध्वनियां बड़ी मोहक और आनंददायक होती हैं। इनकी तुलना सर्प को, भृंग को मोहने वाले वीणा निनाद से की जाती है। रासलीला में कन्हैया की वंशी बजने और गोपियों का, प्रवृत्तियों का नाच होने की संगति भी इसी नादयोग साधना के साथ जुड़ती है। ओमकार जप, सोहम, मंदिरों में शंख घड़ियाल की ध्वनि का आधार भी यही है। नारद की वीणा, शंकर का डमरू, सरस्वती का सितार अलंकार रूप में इस नादयोग के रहस्यों का ही उद्घाटन करने वाले संकेत हैं। कल्प साधना में तीसरा अनिवार्य अभ्यास लय योग है। इसमें शरीर अभ्यास को आत्मसत्ता के साथ समर्पित विसर्जित करना पड़ता है। आम तौर से मनुष्य अपने आप को शरीर भर मानता है और उसी की इच्छा आवश्यकता पूरी करने में जुटा रहता है। आत्मा को उसके स्वरूप, लक्ष्य एवं उत्तरदायित्व को तो एक प्रकार से विस्मृत ही किया रहता है। यह वह भटकाव है जिसे मायापाश, भवबंधन आदि नामों से पुकारते हैं। यदि अपना स्वरूप समझा जा सके
क्षमताओं का अनुमान लग सके, लक्ष्य का स्मरण आ सके और भावी संभावनाओं की सुखद कल्पना उठ सके, तो मनुष्य निश्चय ही वर्तमान की मृत तृष्णा, भटकन, विसंगति, दुर्गति से ऊंचा उठकर उस महान के साथ संयुक्त होता है जिसकी विवेचना आत्मबोध, स्वर्ग, लक्ष्य बोध, ईश्वर दर्शन, दिव्य जीवन आदि नाम के साथ की जाती है। पुरुष से पुरुषोत्तम, नर से नारायण, क्षुद्र से महान, अर्ध मृतक से अमर होने की बात इसी स्थिति के संबंध में कही जाती है जिसमें शरीर अभ्यास को आत्म अनुभूति के रूप में परिणत किया जाता है। इस प्रयास को महान साहस, परम पुरुषार्थ एवं चरम सौभाग्य कहा जाता है। ध्यान मुद्रा में बैठकर दर्पण को सामने रखा जाता है, अपने चेहरे पर सज्जा सौंदर्य की नहीं एक विशेष दृष्टि डाली जाती है कि इस मांस पिंड के भीतर सृष्टा का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मसत्ता विद्यमान है, वही इस काया की अधिष्ठात्री है, उसी का उत्कर्ष परम लक्ष्य है। काया उसी प्रयोजन की पूर्ति का वाहन, साधन, उपकरण मात्र है। शरीर की सार्थकता आत्मा के प्रति वफादार, जिम्मेदार और ईमानदार रहने में ही है। आत्मा काया का पोषण तो सही रूप से करे, पर साथ ही यह भी ध्यान रखे कि उसे उच्चरंखल बनाने वाली वासना, तृष्णा, अहंता के आक्रमण से सुरक्षा का प्रबंध भी होता रहे। जीवन यज्ञ है, इसे भ्रष्ट करने वाले सुबाहु, मारीच और ताड़का से तुलना इन्हीं उपरोक्त दानवी महत्वाकांक्षाओं से की गई है जो विनाश और पतन के सरंजाम ही रचती रहती हैं। कल्प साधना में उपरोक्त तीनों साधनों को ना केवल अनिवार्य माना गया है वरन सरल भी बनाया गया है। दीपक और सूर्य के स्थान पर नीलाभ विद्युत दीप साधकों के हर कमरे में लगाए गए हैं। नादयोग का आरंभिक अभ्यास करने के लिए टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उपयोगी स्वर लहरियां सुनाई जाती हैं ताकि सूक्ष्म नाद को अधिक स्पष्ट होने का मार्ग खुले। उपयुक्त साइज का दर्पण हर कमरे में पहले से ही रखा मिलता है। तीनों साधनाएं आरंभिक स्तर के साधक भी सरलतापूर्वक चला सकें इसके लिए यथासंभव अधिकाधिक सुविधा सरलता उत्पन्न की गई है। व्यवस्था ऐसी है जिसमें उपरोक्त तीनों योगाभ्यास साधनाएं बिना किसी कठिनाई के आरंभ की जा सकें। वे जैसे जैसे विकसित परिपक्व होती हैं वैसे वैसे अपने सत्परिणाम भी प्रत्यक्ष करती चली जाती हैं।